तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। और आज का टाइम आ चुका है कि भाई एक छोटा बच्चा भी किसी का फोन हैक कर सकता है, एक छोटा बच्चा भी किसी का कंप्यूटर हैक कर सकता है। और आप लोग बस बैठे बैठे मुंह देखते रह जाओगे उसका कि भाई इसने किया कैसे, कब किया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मेरा कंप्यूटर पूरा हैक हो गया, मेरे अकाउंट की डिटेल चली गई, सब कुछ चला गया, ऐसा हुआ कैसे। तो भाई आज के टाइम में ऐसे ऐसे कमाल कमाल के हार्डवेयर मार्केट में उपलब्ध है ना, जिनको आपको बस कंप्यूटर या फोन के अंदर कनेक्ट करना है, बाकी काम सब वो खुद कर देंगे और आपको पूरा कंप्यूटर या फोन का एक्सेस दे देंगे। आप सोच रहे हो यार ये तो बड़ी खतरनाक बात है यार, ऐसी कौन सी टूल आ चुके हैं इंटरनेट पे और मार्केट में भाई, जो कि एक बार बस कनेक्ट किया पूरा कंप्यूटर पूरा फोन हैक, ये तो बहुत ही गजब की चीज है ना। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात करूंगा और आप लोगों को कैसे सेफ रहना है इन सब चीजों से, इसके बारे में भी बताने वाला हूं। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में क्या है, बहुत सारी चार्जिंग केबल आप लोग देख पा रहे होंगे, या फिर आप लोग इसको डेटा ट्रांसफर वाली केबल भी कह सकते होंगे, नॉर्मल यूएसबी केबल जो होती है, ठीक है। बट आज का टाइम इतना खतरनाक हो चुका है कि अगर आपको किसी का फोन हैक करना है, किसी का कंप्यूटर हैक करना है, तो आप लोगों को किसी एपीके, किसी पेलोड, किसी लिंक की जरूरत नहीं है आज के टाइम में। आज के टाइम में आप लोगों ने किसी के फोन में चार्जिंग केबल लगाई, फोन पूरा हैक। आपने कंप्यूटर के अंदर डेटा केबल लगाई, कंप्यूटर पूरा हैक। आप सोच रहे हो ये क्या हैक है कि हलवा, हर कोई कर ले रहा है इतनी आसानी से। बिल्कुल दोस्त, ये जो टेक्निक है ना, ये एक स्पेशल टाइप की चार्जिंग केबल की मदद से किया जाता है। ये नॉर्मल चार्जिंग केबल से ये नहीं होता, वो जो स्पेशल टाइप की चार्जिंग केबल होती है ना, उसका नाम होता है OMG केबल्स। आप लोग गूगल कर सकते हो OMG केबल्स। और मजे की बात तो ये है कि गूगल के ऊपर ये धड़ल्ले से बिक रही है और लोग इसको खरीदते हैं और यूज करते हैं और लोगों का फोन कंप्यूटर हैक कर लेते हैं। आप सोच रहे होगे कि कितनी यार खतरनाक चीज है, इसलिए आप लोगों को इससे बहुत ज्यादा अवेयर रहना है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, मतलब एक आर्टिकल में पढ़ रहा था तो वहां से कुछ चीजों को मैंने निकाला है और समराइज करके लिखा है, तो आप लोग सुनिएगा, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो OMG केबल को ना एक सिक्योरिटी रिसर्चर ने बनाया था। अब उसने बनाया क्यों था, ये एक बड़ी चीज है, ठीक है। उसका मेन मकसद था OMG केबल को बनाने का कि लोगों को वो बता सके कि भाई कितना इजी हो चुका है आज के टाइम में एक फोन या फिर एक कंप्यूटर को हैक करना, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये केबल एक आम चार्जिंग केबल की तरह दिखती है, बहुत ही बिल्कुल यार सच में एक आम चार्जिंग केबल की तरह दिखती है, बट इसके अंदर एक वाईफाई हॉटस्पॉट होता है और एक छोटा सा कंप्यूटर का चिप होता है। अब आप सोचोगे कि वाईफाई हॉटस्पॉट और एक कंप्यूटर का चिप एक केबल के अंदर डालने की जरूरत ही क्या है। बिल्कुल अभी बताता हूं मैं, ठीक है। एक कंप्यूटर का चिप होता है जिससे कि ये क्या करता है, एक कीबोर्ड खोल देता है और कीबोर्ड खोल करके कमांड्स डालना शुरू करता है। आप सोच रहे होगे कि कहां कमांड डालेगा भाई, मेरे फोन के अंदर लगते ही कीबोर्ड खुल जाएगा पर कमांड पड़ेगा कहां, ये सब आपके दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी ना। बट चिंता की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, ठीक है। जब आप लोग OMG केबल को अपने डिवाइस में प्लग करते हो ना, तो ये आपके डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर देता है, ठीक है। और उसके बाद आपके डिवाइस के अंदर ये कुछ कमांड्स को भेजना शुरू करता है। ये कमांड्स जो होते हैं ना, ये आपके फोन या फिर कंप्यूटर के अंदर मैलवेयर्स या फिर वायरसेस को ये अपने आप डाउनलोड करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक APK फोन के अंदर हम लोगों ने इंस्टॉल किया पूरा फोन हैक, तो ये केबल क्या करती है, अपने आप किसी नेट से, किसी वेबसाइट या फिर अपने किसी सर्वर से एक मैलवेयर, एक वायरस को डाउनलोड करती है और आपके फोन के अंदर अपने आप ही इंस्टॉल करना शुरू कर देती है। आपको पता तक नहीं चलेगा कि ये काम कब हो रहा है बैकग्राउंड में, और वो इंस्टॉल हो जाएगा और पूरा का पूरा एक्सेस हैकर को दे देता है। आप लोगों को तो पता ही होगा पेलोड्स के बारे में, ठीक है। OMG केबल इसलिए बहुत खतरनाक है क्योंकि इसके इस्तेमाल के लिए किसी भी खास स्किल या फिर इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है। बस हैकर को क्या चाहिए, आपका फोन, और आपके फोन को उसने एक चार्जिंग केबल में लगाया और बूम बाम आपका फोन खत्म। लिटरली फोन की हर एक इंफॉर्मेशन, आप जानते हो जब फोन के अंदर एक पेलोड इंस्टॉल हो जाता है तो फिर क्या होता है हमारे फोन के साथ, हमारे फोन की सारी इंफॉर्मेशन बाहर जा रही होती है। वैसे ही कंप्यूटर्स के अंदर भी ये ऐसे ही काम करता है। एक बार कंप्यूटर में प्लग हुआ भाई, कमांड प्रॉम्प्ट या फिर भाई जो भी शेल होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, जो भी होता है उसके अंदर से ये कुछ खास कमांड्स को भेजेगा, कुछ वायरसेस को डाउनलोड करेगा, सब अपने आप करेगा और कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके छुप जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे कंप्यूटर के अंदर एक वायरस पड़ा हुआ है। तो इसलिए आप लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा कि किसी भी बाहर आप जाते हो जगह पे, कहीं चार्जिंग स्टेशन है वहाँ केबल लटक रही है, आप सोच रहे हो लगा के मैं चार्ज कर लूँ, चार्ज तो होगा फोन, बट चार्ज के साथ साथ याद रखना
हो सकता है आपके फोन के अंदर वायरस भी डाल दे। इसीलिए अपनी केबल एक ट्रस्टेड रखो, उसी ट्रस्टेड केबल से चार्ज करो, डाटा ट्रांसफर करो, किसी भी साइबर कैफे से केबल मत लो, किसी फ्रेंड से केबल मत लो, कहीं से भी केबल मत लो, क्योंकि आज के टाइम में ये नॉर्मल दिखने वाली केबल्स आपका पूरा फोन, आपका पूरा डिटेल, आपका पूरा बैंक अकाउंट तक साफ कर सकती हैं। बहुत ही खतरनाक हो चुका है आज का टाइम, इसलिए आप लोगों को अवेयर करना मेरा काम है। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में।